केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत राव कराड़ कल अल्प प्रवास पर दतिया पहुंचे। स्थानीय भाजपा नेता ने उनको स्वागत करो साल उड़ा के स्वागत करो। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर कराड़ ने पीताम्बरा पीठ पहुंच के माई के दर्शन करे। इसके बाद कलेक्ट्रेट पहुंचे और बैंक मैनेजर की बैठक ली। बैठक के बाद सर्किट हाउस में उन्होंने मीडिया वालों से भी बात करी। बुंदेलखंड के 6 जिला में बैंक के 14 ब्रांच खोलने को निर्णय उन्हें लाओ इसके बारे में जानकारी दें। इन स्थानों पर नए ATM भी लगवे की उन्हें बात कही। जनधन के खाता बढ़ावे के लाने अधिकारियों के निर्देश है। लोगों से वित्तीय साक्षरता बढ़ावे के लाने विशेष प्रयास करवे की उन्हें बात कही। डिजिटल करेंसी चलावे के सवाल पर वित्त राज्य मंत्री ने कही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि हर विभाग में को काम डिजिटल तरीका से हो और इसके लाने हर विभाग काम कर रहा हूँ। सुन लो तरह का कह रहे डॉक्टर भगवत राव खड़ार। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इस फाइनेंशियल लिटरेसी में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कैसा होना, उसी के साथ कौन कौन से ऐप है और लोगों में इसी का अवेयरनेस करना, ये बहुत ज़रूरी बात है। इसी फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए नाबार्ड के तरफ से हर डिस्ट्रिक्ट को एक एक वैन दी जाएंगी। वो वैन के ऊपर उसके पॉम्पलेट्स हो, पोस्टर्स हो, उसी के साथ अनाउंसमेंट करने की चीज़ हो, उसी के साथ वीडियो हो, ये सब करके देहात में जाएंगे और लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता देंगे। सर माननीय प्रधानमंत्री, तो एक डिसीजन हो गया कि इस बुंदेलखंड जो 6 जिले में 31 मार्च तक 14 ब्रांच बैंकिंग खुली जाएगी और उसी के साथ 14 ATM भी खुले जाएंगे। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी आपके सुनहरे भविष्य के निर्माण में आपका साथ देने के लिए, क्योंकि हमारा संकल्प है आपके भविष्य को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना। तो आज ही संपर्क करें और प्रवेश लें बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी में, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी।